हे दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ज्यादा अच्छे होंगे, क्योंकि आज भी मेरे पास काफी सारे एनिमी अपडेट्स हैं जिनके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। एंड कुछ स्पेशल एनिमी अपडेट्स भी है जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसलिए चलो बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं कुछ एनिमी अपडेट्स के बारे में। तो द टाइम आई गॉट रिकॉर्डेड एज ए स्लाइम का जो न्यू प्रोजेक्ट है वो अनाउंस होने वाला है फरवरी 19 को 2023 में। इसके अलावा बोरूटो का कोड आर्क जो है वो स्टार्ट होगा फरवरी 12 से। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि सास्के रेस्टोरेंट जो आर्क है वो अब खत्म हो चुका है और उसके सभी एपिसोड अब खत्म हो चुके हैं और अब बोरूटो का कोड आर्क स्टार्ट होने वाला है फरवरी 12 से। तो इसके लिए अब मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ और होप करता हूँ कि बोरूटो में इस बार हम लोग को थोड़ी सी और अच्छी एनिमेशन देखने को मिले इस आर्क के अंदर। वेल अभी बहुत सारे कैरेक्टर्स जो है वो बोरूटो के अंदर आने बाकी है, क्योंकि मैं अभी बोरूटो का मांगा पढ़ रहा हूँ और अभी बोरूटो का मांगा जो है वो इनसेन लेवल पे चल रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि एनिमे के अंदर भी हम लोग को इतना ही मजा आया जितना मांगा के अंदर आया है। तो वेल अब आप लोगों का ओपिनियन है बोरूटो के कोड आर्क को लेकर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताना है। इसके अलावा हम लोग बात करें अगर पीवीआर के बारे में, तो पीवीआर को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट निकल के आया है। तो जैसा कि आप लोग पता है कि सुजुमे मूवी की जो रिलीज डेट थी वो पीवीआर ने कुछ टाइम पहले अनाउंस की थी, बट उसके बाद पीवीआर ने उस डेट को रिमूव कर दिया था वहां से और फिर हम लोगों को कमिंग सून देखने को मिल रहा था सुजुमे मूवी के ऊपर। बट अब फाइनली पीवीआर ने इसकी डेट जो है वो अनाउंस कर दी है एंड अब सुजुमे मूवी की जो रिलीज डेट है वो अब हो चुकी है 21 अप्रैल की, जो कि टू बी ऑनेस्ट काफी अच्छी बात है। मैं काफी टाइम से इंतजार कर रहा था कि ये सुजुमे मूवी जो है वो जल्दी से पीवीआर वाले इसका रिलीज डेट निकाल दे और अब उन्होंने फाइनली इसका रिलीज डेट जो है वो इंडियन थिएटर्स के लिए निकाल दिया है। तो मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस मूवी के लिए एंड वेल आप लोग एक्साइटेड हो कि नहीं आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताना है। एंड हाँ, ये मूवी की रिलीज डेट जो है वो सभी के एग्जाम्स के बाद रखी गई है, जो कि काफी अच्छी बात है। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि आप लोग इस मूवी को देखने जाओगे कि नहीं। इसके अलावा हम लोग बात करें डीमन स्लेयर सीजन 3 के बारे में, तो डीमन स्लेयर सीजन 3 का एपिसोड 1 जो है वो पूरा लीक हो गया है, क्योंकि जैसा कि आप लोग पता है कि जापान में डीमन स्लेयर सीजन 3 की स्क्रीनिंग हो रही है। इसके बाद काफी सारे लीक जो है वो यूट्यूब के ऊपर निकल के आ चुके हैं एंड आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने देख भी लिया होगा उसके काफी सारे लीक, और उसके रिलेटेड मैं आप लोग कुछ बता भी देता हूँ। तो जैसा कि आप लोग पता है कि हम लोग को अपर मून रैंक के डीमंस की मीटिंग देखने को मिलती है, तो वो वाला सीन हम लोग को देखने को मिला था लीक के अंदर। और साथ ही साथ एक और गुड न्यूज है डीमन स्लेयर फैंस के लिए। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मित्सुरी के बात सीन को सब बोल रहे थे कि डिलीट करवाना चाहिए, डिलीट करना चाहिए, और सभी फैंस जो है वो नहीं चाहते थे कि बात सीन जो है वो मित्सुरी का डिलीट हो। बट अब फाइनली मित्सुरी का जो बात सीन है हम लोग को वो देखने को मिल चुका है एनिमे के अंदर। तो वेल इस न्यूज को सुनने के बाद काफी सारे लोग जो है वो खुश हो चुके होंगे कि मित्सुरी का बात सीन जो है वो हम लोग को एनिमे के अंदर देखने को मिल रहा है फाइनली। एंड अब बहुत सारे लोग जो है वो एक्साइटेड हो चुके होंगे। तो चिंता मत करना, शायद पीवीआर जो है वो इसे इंडिया में भी रिलीज करेंगे, तब उस टाइम शायद हम लोग इसे इंडियन थिएटर्स में भी इंजॉय कर पाएंगे इन सभी सीन्स को। इसके अलावा हम लोग को कोकुशिबो की वॉइस और डोमा की वॉइस भी सुनने को मिली थी, जो कि काफी ज्यादा कमाल की थी। कोकुशिबो का जो चेहरा था वो भी हम लोग को देखने को मिला था। वेल अब बस वेट करते हैं कि डीमन स्लेयर सीजन 3 जो है वो हम लोग को इंडिया में भी जल्द से जल्द देखने को मिल जाए। इसके अलावा न्यूज आई थी कि वन पीस की एंडिंग जो है वो भी लीक हो चुकी है, और उसके लीक के बारे में तो मैंने अब तक कोई सुना नहीं कुछ भी, बट अगर आप लोगों ने उसके एंडिंग वाली लीक देख ली है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हो अपना ओपिनियन। बट अगर हम लोग बात कर ही रहे हैं डीमन स्लेयर सीजन 3 के बारे में, तो मैं आप लोग बता दूं कि डीमन स्लेयर सीजन 3 ने अपने फर्स्ट 3 डेज में 8.792 मिलियन डॉलर जो है वो अर्न किए हैं अभी तक, जो कि काफी अच्छी बात है। इसके अलावा हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट एनिमे अपडेट के बारे में, तो नेक्स्ट एनिमे अपडेट आता है हमारे नरूटो सीजन 5 को लेकर। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को नरूटो सीजन 5 वाली वीडियो में बताया था कि नरूटो सीजन 5 जो है वो हम लोग को मंडे से देखने को मिल सकता है एंड अभी फाइनली बात जाके कंफर्म हो चुकी है, क्योंकि कल सोनी के ऊपर हम लोगों को नरूटो सीजन 5 का एपिसोड 1 और 2 देखने को मिला था। एंड कल के एपिसोड को देखने के बाद मैं बस यही कहूंगा कि सोनी जो है वो सरप्राइज देने में बहुत ज्यादा आगे है, मतलब वो लोग कब क्या कर दे कोई कुछ भी गेस नहीं कर सकते हम लोग। बट देख के अच्छा लग रहा है कि सोनी जाग रहे हैं और अब वो लोग नरूटो जो है वो सीरियसली दिखा रहे हैं, मतलब पहले के टाइम आप लोगों को याद होगा उन्होंने सीजन 1 के टाइम कितना लंबा ब्रेक लिया था, जिसकी वजह से नरूटो की जो हाइप जो है वो थोड़ी सी गिर गई है मुझे ऐसा लगा है। एंड अभी अगर सोनी फिर से ब्रेक लेते तो शायद फिर से नरूटो की हाइप जो है वो गिर जाती, बट अभी बहुत सारे लोगों के एग्जाम्स है तो शायद बहुत सारे लोग जो है वो नरूटो मिस कर दे रात में। बट मेरे हिसाब से आप लोग पूरी कोशिश करना कि नरूटो सीजन 5 को जो है वो आप लोग टीवी पे देखो, क्योंकि सोनी जो है वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, वो लोग नरूटो सीजन 5 को इतनी जल्दी हम लोग के लिए ला रहे हैं, जो कि काफी बड़ी बात है। एंड बहुत सारे लोग इसके अलावा आप सोचते होंगे कि सीजन 5 जो है वो सोनी इतने जल्दी क्यों स्टार्ट कर दिए। तो जैसा कि मैंने आप लोग बताया कि नरूटो का जो नाम का लेबल होता है, जो कि हम लोग को जब नरूटो स्टार्ट होता है तो तब देखने को मिलता है, तब उसके नाम के नीचे हम लोगों को उसके सीजन नंबर और उसका एपिसोड नंबर देखने को मिलता था, बट वो एपिसोड नंबर और सीजन नंबर जो है वो सोनी ने पूरी तरीके से हटा दिया है और अब बस नरूटो का लेबल देखने को मिलता है हम लोग को टीवी के ऊपर। तो इसी से हम लोग शायद गेस कर सकते हैं कि सोनी ने जो है वो सीजन का लफड़ा हटा दिया है पूरी तरीके से, और अब सीजन नहीं सिर्फ एपिसोड पे एपिसोड हम लोग को देखने को मिलते रहेंगे हमेशा। वेल अब मुझे लगता है कि हमारे वॉइस आर्टिस्ट यानी हमारे मोहित सर, जो कि काकासी सेंसेई की हिंदी वॉइस है, उन्होंने सच ही कहा था हम लोग को बस नरूटो एंजॉय करते रहना है और बाकी का काम सोनी संभाल लेगी। तो अब मेरे कहने का मतलब यही कि आप लोग चिंता मत करना, नरूटो का सीजन 6, 7, 8, 9 जो है वो हम लोग को लगातार ही देखने को मिलते रहेंगे सोनी के ऊपर अब। तो वेल अब आप लोगों का क्या ओपिनियन है सोनी को लेकर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताना है। इसके अलावा हम लोग बात करें अपने एपिसोड्स के बारे में, तो एपिसोड 1 और 2 देखने को मिला था सीजन 5 का, और उसके अंदर हम लोगों को सास्के वर्सेस नरूटो की बैटल देखने को मिली थी। और मैं आप लोगों को स्पॉइल तो करना नहीं चाहूंगा, लेकिन बस मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि जैसा कि कल आप लोगों ने सास्के को देखा कि सास्के का चेहरा जो है वो अब धीरे धीरे बदलता जा रहा है और सास्के जो है वो पूरी तरीके से चेंज हो
चुका है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सास्के जो है वो पूरी तरीके से बदल जाएगा अब इस सीरीज के अंदर, और जो आप लोगों को पहले सास्के देखने को मिलता था वो ऐसा सास्के आप लोगों को अब देखने को नहीं मिलेगा। एंड एक तरह से कह सकते हो कि अब स्टोरी जो है वो नारुतो शिपुडेन की तरफ अब बढ़ चुकी है। एंड ये लास्ट आर्क भी होने वाला है नारुतो ओरिजिनल सीरीज का, तो आप लोग पूरी कोशिश करना कि आप लोग इस पूरी आर्क को जो है वो देख पाओ टीवी के ऊपर। एंड इसके अलावा भी आने वाले एपिसोड्स में काफी ज्यादा एक्शन हम लोग को देखने को मिलेगा। इवन हम लोग को अभी नारुतो वर्सेस सास्के का बैटल अभी और देखने को मिलेगा। तो वेल आप लोग भी नारुतो वर्सेस सास्के बैटल के लिए एक्साइटेड हो कि नहीं, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताना। एंड बस आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। आई होप करता हूं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो जाकर इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दो ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस के लिए। और मैं मिलता हूं बस तुम लोगों से ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।